शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजमने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुजरूहध्वंद सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोयम् विधीयते। चालीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। परा परात्मनोरेवं युक्त्या संभा तत्त्वमस्यादिवाक्यैसा भागत्यागेन लक्ष्यते। जगतो यदुपानं माया आदाय तामसीम्नि जगतो यदुपादानं मायाम् आदाय तामसीम् निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा यदा मलिनं सत्त्वं ताम् कामकर्मादिदूषितां आदत्ते तत्परं ब्रह्मा त्वं पदेन तदोच्यते। आपको यह विवेक हो गया होगा कि पंच कोशों से अन्वय और व्यतिरेक कैसे किया जाए। ये तुमको नहीं मिला ही जाए। अभी इस पंच कोश का और महावाक्य का क्या आपस में संबंध है, कोई समझा सकता है? साधक बहुत जब साधना करता है तो इतना विवेक कर लेता है कि पंच कोशों से कोई एक अलग चीज है। देखा आपने जो चार्ट है आपके पास, सबका व्यतिरेक करते 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 एक चीज का अन्वय रह जाता है, वो क्या है? आत्मा या ब्रह्म। और सभी का क्या हो गया? व्यतिरेक। तो नियम मैंने क्या बताया था, जिसका व्यतिरेक हो जाए वह चीज झूठी है, अनित्य है, मिथ्या है। जिस चीज का अन्वय हो जाए वह चीज सत्य है। अब कारण शरीर का भी व्यतिरेक हो गया, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कारण शरीर का व्यतिरेक कैसे पता करेंगे? अगर मैं क्यों स्थूल शरीर का व्यतिरेक कहां हो गया? स्वप्न में, स्वप्न देखते हैं तो स्थूल शरीर तो, अच्छा जी,
सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक सुषुप्ति में हो गया। सूक्ष्म शरीर मतलब ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, लेकिन ये कारण शरीर का व्यतिरेक कैसे करेंगे? क्योंकि अपने पास जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? सिर्फ जागृत, स्वप्न, तो तीनों तो हो गई, तो बची कौन सी? कोई नहीं। तो यह साधक का प्रश्न था, कारण शरीर का व्यतिरेक किस में करा जाएगा? तो उसका उत्तर क्या दिया गया? सिर्फ समाधि ही एक ऐसी अवस्था है जहां पर कारण शरीर का व्यतिरेक, और आपको कारण शरीर का व्यतिरेक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब साधक ने इतना ये सब विवेक कर लिया, अन्वय और व्यतिरेक, उसको ये समझ में आ गया कि एक मैं ऐसा है जो पंच कोशों से अलग है। अब विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, उस मैं को ब्रह्म समझने के लिए किसका अनुसंधान करो? महावाक्य। और एक बात गाढ़ मान लेना, ब्रह्म ज्ञान में महावाक्य के बिना कुछ नहीं है। यदि महावाक्य समझ में नहीं आया तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोरा है। यही महावाक्य, इसलिए मैंने क्या बोला था, महावाक्य, महा मतलब बड़ा, लेकिन एक्चुअली में महावाक्य तो सबसे छोटे हैं। आपने देखा वेदांत की लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान परिणामी कारण बड़े बड़े, लेकिन जितने महावाक्य हैं वो कितने हैं? सबसे छोटे। जैसे मैंने कल बताया था, चार महावाक्य हैं, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गए होंगे। पहला महावाक्य क्या बोला था? तत् त्वम् असि। ये कहाँ का है? मैंने लिखवाया है, हाँ, सामवेद छांदोग्य बृहदारण्य, छांदोग्य उपनिषद का। क्लियर हो गया? तत्त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद और सामवेद। फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ का है? यजुर्वेद बृहदारण्य उपनिषद, यजुर्वेद बृहदारण्य उपनिषद। तीसरा, अयम आत्मा ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद, इसी का है, अथर्ववेद। और चौथा कौन सा है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये चार महावाक्य हैं ऋग्वेद। हो गए? ये आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए। कौन कौन से, कौन कौन से चारों? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। चारों वेद के ये चार हैं। और कहा ये जाता है, यदि आपने वहां वाक्य समझ लिया तो चारों वेदों को समझ लिया। देखो जी, इतनी महत्ता है। यदि चारों महावाक्यों को समझ लिया तो फिर चारों को आपने क्या किया? समझ लिया। जैसे ये किताब का सार क्या है, यदि ये किसी ने समझ लिया तो इसका मतलब उसने पूरी किताब को पढ़ लिया। कोई जरूरी नहीं है कि लाइनें याद हों आपको, जो कहना चाहते हैं वो आपकी समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा जी, अब महावाक्य का शोधन करते हैं। आपने 43वां श्लोक देखना, तत्व मस्यादि वाक्य ही मिला आपको। किस वाक्य का शोधन करा रही है? तत्त्वम् असि। अब एक बात आपको शायद नहीं पता है, ये हम अद्वैत वेदांत वालों का ही नहीं है तत्त्वम् असि वाक्य। ये जितने भी भक्ति दर्शन वाले हैं उनका भी महावाक्य कौन है? तत्त्वम् असि। लेकिन आपका तत्त्वमसि और उनका तत्त्वमसि में जमीन आसमान का अंतर है। देखो जी, हालांकि प्रारंभिक स्थिति में वह ठीक ही कहते हैं,
किसी भी वाक्य को समझने के दो तरीके होते हैं, किसी भी वाक्य को आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, दो तरीके से समझा जा सकता है वाक्य को। एक होता है वाच्यार्थ, क्या बोलेंगे, और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। आपने अपने लड़के लड़की को क्या बोला, मर जा, कुएं में गिर जा, तो इसका मतलब आप ये तो नहीं चाहते हो कि वो इसका अब वो वाच्यार्थ का अगर मीनिंग लेगी तो फिर क्या होगा, आप कहते तो नहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरा, कौन मरेगा चुल्लू भर पानी में। इसका मतलब यहां पर वाच्यार्थ की जरूरत, बोलो जी क्या लेना चाहिए, लक्ष्यार्थ क्या लेना चाहिए, कि तुमको है ना ऐसा नहीं करना, मतलब वह व्यक्ति आपसे क्या है नाराज है, लेकिन आपने क्या मंगाया, एक ग्लास पानी ले आओ, अब इसमें क्या लेना चाहिए, वो वाच्यार्थ नहीं, पानी किस में लाएं, कांच में लाएं कि मेटल में लाएं, मेटल में लाएं तो सोने में लाएं कि चांदी में लाएं कि ताम्र पत्र में लाएं, पानी लाएं तो उबला लाएं, गर्म लाएं कि ठंडा लाएं। लो जी इसको बोलते ना, इस व्यक्ति ने वाच्यार्थ को ग्रहण, तो अब यह व्यक्ति के विवेक पे होना चाहिए कि वो वाच्यार्थ को ग्रहण करे कि लक्ष्यार्थ। समझना, घर में परिवार में हम कई बार वाच्यार्थ को क्या समझ लेते हैं, लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ को क्या समझ लेते हैं, वाच्यार्थ। भाई किसी आदमी ने गुस्से में आपसे कहा कि तुम मर जाओ, इसका मतलब वो आदमी थोड़ी ना कह रहा पिता कि तुम मर जाओ, असली पिता होगा तो ये तो नहीं कहेगा कि तुम मर जाओ, पकड़ में आ रही बात। इसका मतलब वहां पे उस बच्चे को क्या लेना चाहिए कि मुझसे मेरे पिताजी नाराज हैं। बोले मैं इस महावाक्य में क्या करूं, वाच्यार्थ लूं कि लक्ष्यार्थ। पहली बात तो महावाक्य क्या है, तत् तत् त्वम् असि, कितने शब्द हैं, तीन। अब इसके पहले अर्थ समझ लेना, तत् का अर्थ क्या है, वह, त्वम् का अर्थ क्या है, तुम, असी का अर्थ क्या है, हो, क्या अर्थ बन गया, वह तुम हो। अच्छा वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह शब्द बोलो जी, जो आपकी आंख के सामने नहीं है उसके लिए क्या बोलेंगे, वह। जैसे वह व्यक्ति, क्यों बोला उसको वह, क्योंकि वो आंख के सामने, जैसे मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वह बैठा है, मैं क्या बोलूंगा, यह बैठे हैं, क्यों, वह और यह में अंतर समझ में आ रहा है, यह उसको बोलते हैं जो आंख के, वह उसको बोलते हैं जो आंख के सामने, या वेदांत की में बोला जाए जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसको क्या बोलेंगे, तत्। जो चीज प्रत्यक्ष है उसको क्या बोलेंगे, तुम, क्या बन गया, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है मतलब कैसी हो गई, उस शब्द को क्या बोलोगे, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं उसको क्या बोलेंगे। अरे भाई हिंदी कितने आप जानकार हो, परोक्ष, परोक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे राम अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पंडित जी हमारे सामने प्रत्यक्ष, तो हम उनको क्या बोलेंगे, अरे यह पंडित को बुलाओ नहीं, किसको, वह पंडित जी को बुलाओ। अच्छा आपको बुलाना तो क्या बोलेंगे, अरे इनको बुलाओ, अरे आप उठिए, पकड़ में,
फिर से समझना, वाक्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो वाच्यार्थ और एक तो, ये जो भक्ति दर्शन वाले हैं इनका बहुत ही सुंदर अर्थ है, वाच्यार्थ लेते हैं, लेकिन ये लोग लक्ष्यार्थ नहीं ग्रहण कर पाए। ये क्या बोलते हैं, तुम उसके हो, तो कितना सुंदर मीनिंग है, तुम उसके हो, किसके, उसी राम के, उसी कृष्ण के, उसी शिव के, तुम अलग नहीं हो, ध्यान रखना। लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम ही शिव हो, पकड़ना, तुम शिव नहीं हो, तुम उसके हो, मतलब तुम किसकी संतान हो। देखो आपको पता है इसी चीज को क्या बोला गया भागवत में, ने यही परम धर्म है। व्यक्ति यदि जीवन में यह समझ ले कि, दूर की बात कह रहा हूं, यदि यह बात सिर्फ समझ ले कि मैं किसी का नहीं, मैं उसका हूं, तो बोलते हैं भागवत सुनना क्या हो गया, सार्थक हो। सिर्फ भागवत सुनने का एक फल आ जाए, क्या फल, मैं, अब आप बताओ यह अनुभूति आ सकती, मैं उसका हूं। हनुमान जी कह सकते थे क्या चीज, मैं उसका हूं। शबरी कह सकती थी मैं उसकी हूं, लेकिन सब व्यक्ति नहीं कह सकते कि मैं उसका हूं। हम क्या चक्कर में लगे हैं, वह मेरा है। देखो दोनों में कितना अंतर है, वह मेरा नहीं है, उसको क्या पड़ी है, उसको क्या पड़ी है। कल वो सन बोल रहे थे ना, अर्जी और मर्जी, हम अर्जी देते हैं और वह मर्जी, मर्जी मतलब उसकी मर्जी है, चाहे ले और चाहे, लेकिन हम क्या देंगे, अपनी अर्जी देंगे। हम मर्जी के मालिक, मर्जी का मालिक वही है, और फिर उसे उन्होंने तोड़ के और शब्द निकाल लिया, मर्जी है, मर्जी मतलब वहां पर कोई चीज मर्ज, तो मर्ज का अर्थ क्या हुआ वहां पर, कई बार मर्ज का अर्थ क्या लिखते हैं, रोग। वहां पर कोई मर्ज नहीं है, मर्ज नहीं है मतलब वहां पर कोई रोग, बोले किसका रोग नहीं है, बोले वहां कोई राग और द्वेष का रोग। देखो कितना सुंदर महावाक्य से निकाल दिया, जीव की अर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है मतलब ईश्वर में कोई रोग, मर्जी है मतलब ये नहीं कि तानाशाह हो गया हमारा, क्या समझ, मेरी मर्जी मैं करूं चाहे, इसका आप तानाशाह हो गए, नहीं नहीं वहां ये नहीं कहा जा रहा है। उसकी मर्जी मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई रोग, बोले उसको कौन सा रोग हो गया, बोले वहां पे कोई राग और कोई द्वेष। देखो यह वृत्ति भी चित्त में आ जाना कि मैं ईश्वर का एक छोटा सा दास हूं और ईश्वर मेरे ऊपर नजरें डालता है, ये बहुत बड़ी बात है। वेदांत तो अब दूर की बात छोड़ दो, ध्यान रखना ये लक्ष्यार्थ नहीं हो रहा है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, वाच्यार्थ की। इस तरीके से बहुत उसके अर्थ दिए गए, बोले तुम उसमें हो, देखो जी तुम उसके हो ये तो ठीक है, एक और क्या वाक्य दिया, तुम उसमें हो मतलब तुम जगत में नहीं हो, बोले नहीं मैं तो जगत में हूं, तो बोले जगत किस में है, जगत किस में है, ब्रह्मांड किस में है, बोले तुमको तो ये दिखाई देता है कि तुम जगत में हो, लेकिन जिस जगत में तुम हो वो जगत उसके मुंह में है, तो फिर तुम किसके मुंह में हो गए। लो जी आप कहीं से भी घूम फिर के आओगे, आपको ईश्वर का संबंध, और ये चीज आपने विराट रूप में भगवान के देखी थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में है, और आपने देखा
जिस जिस को यह ज्ञान नहीं हुआ भगवान ने उनको यह ज्ञान दिखा दिया। किसको? अर्जुन तो बेचारा बहुत ठीक था, इनकी मां लोग सब गड़बड़ थी। कौशल्या, कौशल्या को यही लगता था कि ये बस यही मेरा पुत्र है। तो भगवान राम ने अपना मुंह खोल के क्या किया था, दिखा दिया था कि पूरा ब्रह्मांड किसमें है, मेरे मुख में है। देखो कृष्ण, यशोदा को भी भ्रम हो गया कि ये माखन चुराने वाला है, ये तो सिर्फ, और उन्होंने एक ही बार माखे का लोंदा खाने के बाद दिखाया ये है लो, और देखा तो उसमें यशोदा जी भी नाच रही थी। किसमें? ब्रह्मांड में। देखो जी, तो आपको क्या लगता है ब्रह्मांड किसमें? ईश्वर में। तो आप भी किसमें हुए? ईश्वर में। ये अनुभूतियां सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बहुत मुश्किल है किसी किसी को ये समझ में आ जाए कि मैं ईश्वर में हूं। पकड़ में आया? मैं ईश्वर में हूं, या इसको भक्ति भाव में बोलते मैं उसका दास हूं। किसका? उस ईश्वर का। अगर आपने ये भी समझ लिया तो आप समझ लो वाक्चार्थ रूप ने आपने तत्वमसी को जी लिया। फिर से बोला हूं, वाचार्थ रूप से आपने तत्वमसी को जी लिया, लेकिन अनुभूति ये हो कि मैं उसका हूं। देखो जी, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं समझना वेदांत में कि ये तो वाचार्थ, इसको छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, जब तक यह अनुभूति नहीं हो पाएगी ना, तब तक आपको लक्ष्यार्थ की अनुभूति भी नहीं होगी। ईश्वर को पहले से आप काट काट के चलोगे तो कहाँ ईश्वर आपको ज्ञान देने वाला है। पहले तो ये समझना ही पड़ेगा कि मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर का सेवक हूं। तो यह मीनिंग किसमें हुई? पकड़ना, वाच्यार्थ में, लक्ष्यार्थ में नहीं। शंकराचार्य जी क्या मीनिंग लेते हैं? लक्ष्यार्थ। क्या है लक्ष्यार्थ, जरा देखो, इसको जरा ध्यान से समझना। अब जगत का निमित्त कारण कौन है? बोलो भाई, जगत का निमित्त कारण कौन है? हाँ बोलो भाई, इतने तो बहुत सिंपल प्रश्न है वेदांत में आपका। तो ये निमित्त कारण मतलब समझे ना, माया कहाँ विशुद्ध सत्व है? माया कैसी है? मलिन सत्व प्रधान माया है ना, तो विशुद्ध सत्व माया कब से विशुद्ध सत्व हो गई? ब्रह्म तो जगत का ना तो कारण है, ना तो पाप लेता है, ना तो उसको तो अब दूरी भगा दो। निमित्त कारण कौन है? इसको बोला गया, आपने पढ़ा अभी, विशुद्ध सत्व प्रधान कौन है? ईश्वर। वो है क्या एक्चुअली में? वो है कौन? ब्रह्म। पकड़ना जरा ध्यान से, जो विशुद्ध सत्व प्रधान है, जिसकी उपाधि है माया, एक्चुअली में वो क्या है? ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म में उपाधि किसकी बन गई? विशुद्ध सत्व प्रधान, तो उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। पकड़ में? जगत का निमित्त कारण कौन हो गया? ईश्वर। लेकिन ईश्वर ने बोला इसका उपादान कारण कौन है? पकड़ में? उपादान कारण कौन है? माया। ये माया भी कौन है? ये भी कौन है? मलिन सत्व प्रधान। लेकिन ये भी कौन है एक्चुअली में? ये भी ईश्वरी है, लेकिन इसमें उपाधि कौन सी जुड़ गई? पकड़ में जरा समझना ये चीज, तब ये अर्थ खुलने वाले हैं। एक ही ब्रह्म दो चीज बन गया, एक तो विशुद्ध सत्व और एक तो
भाई एक ही सूर्य दो सूर्य के रूप में नजर आ रहा, क्यों? क्योंकि एक गंदा पानी है और एक अच्छा पानी। वही ब्रह्मा जगत का निमित्त कारण भी है और वही ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी है। जैसे घड़े का निमित्त कारण कौन है? मिट्टी। और घड़े का उपादान कारण कौन है? कुमार। कहां से होगा? निमित्त कारण कुंभकार, कुंभकार मतलब कुमार, और उपादान कारण कौन हुआ? मिट्टी। कुम्हार ने मिट्टी को लेके क्या बनाया? घड़ा। इसी तरीके से इस जगत को किसने बनाया? बोले ईश्वर ने बनाया, लेकिन बना कौन है बताइए? माया। एक्चुअली में आदेश किसने दिया था? खोरा पेच करने वाला सबसे पहला कौन था? माया ने अपने मन से नहीं बनाया था ये सब, जब तक ईश्वर ने संकेत, लेकिन काम किसने किया? इतनी बात समझ में आ गई दोनों में? आप जरा देखो, जगतो यदु उपादानम, देखो जी, जो जगत का उपादान कारण है वो कौन है? क्या लिखा गया है? मायाम। कैसी माया? कैसी माया? क्या लिखा है वहां पे? तामसीम। देखो तामसी माया। तो ये जो जगत बना है ये किस अंश से बना है? तो तमसी हुआ कि नहीं हुआ? इस जगत का जो उपादान कारण हो गया वो कौन हो गया? माया। और वो भी कैसी माया? तामसिक माया। ठीक है। निमित्त शुद्ध सत्वाम, देखो जी पकड़ में आ रहे हैं, निमित्त शुद्ध सत्वाम, जो निमित्त कारण है वो कौन है? बोलो जी, जो शुद्ध सत्व है वो कौन है? बोले ताम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा, उसी को क्या बोलते हैं पता है? तत्। किसको तत् बोलते हैं? निमित्त कारण को। निमित्त कारण कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म वही कौन बन गया? विशुद्ध सत्व ईश्वर। और उसी को कह के क्या बोला जा रहा है? तो मतलब जब तत् बोला जाए तो उसका अर्थ हमको क्या समझना चाहिए? जो जगत का निमित्त कारण है, निमित्त कारण कौन है? जो विशुद्ध सत्व प्रधान है, वही तत्पद से कहा गया है। बोलो जी, क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ नेक्स्ट, यदा, देखो जी, मलिनम सत्वाम ताम, देखो कैसी सत्व आ गई? मलिन सत्व प्रधान। मलिन, मलिन मतलब मैंने आपको इस बार समझाया था पूरा, मलिन सत्व मतलब क्या? मलिन सत्व प्रधान, देखो ज्ञान तो है लेकिन कैसा ज्ञान है पता है? जैसे मुझे एक दृष्टांत आता है, आप 10 हेलोजन लगा दो और एक बल्ब लगा दो, तो बल्ब में भी प्रकाश और हेलोजन में भी प्रकाश, तो जो ईश्वर का ज्ञान है ना वो कैसा ज्ञान है? हेलोजन वाला। और जो जीव का ज्ञान है वो कैसा है? बल्ब वाला। तो ज्ञान तो है, इसलिए यहां पर शब्द क्या लिखा गया है? मलिन सत्व प्रधान मिला, यदा मलिन सत्वाम ताम। और इसकी पहचान क्या है पता है? काम और कर्म। क्या चीज? काम और कर्म, ये दो चीजें कौन करा देती है? तामसिक गुण। और तामसिक गुण को क्या कह सकते हो? माया। देखो जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप भी इसको देख सकते हो, जब आप प्रातः काल एकदम उठते हो तब आपके मन में कोई इच्छा होती है? बोलो जी, आपसे कोई कहे नहीं जाई कुर्सी साफ करो तो आपका मन होता है? आपका मन क्या होता है? चुपचाप शांति से होता है या नहीं? चुपचाप शांति से बैठे, इसका मतलब आप किस गुण में पड़े हो? किस गुण में? सत्व गुण में।
लेकिन यदि प्रातः काल ही क्या गया काम, क्या गया कर्म, है ना, फिर तो काम क्रोध ये सब तो आप समझ लो किस गुण ने घेर लिया, रजस नहीं तमोगुण पकड़ में है ना। ये देख लो ना जरा, यदा मलिन सत्वामताम, इसका लक्षण ही है काम और कर्म, काम और कर्म। ये कौन कराएगा ताम से, कौन कराएगा अविद्या, इसी को बोलते हैं अज्ञान। हुआ या नहीं हुआ? अच्छा जी, आदत्ते तत्परम ब्रह्मा, ये भी ब्रह्म है लेकिन इसको किस पद से बोला जाता है, त्वम पदेन उच्यते। मिल गया आपको? अब क्या समझे आप इसमें, जो जगत का निमित्त कारण है उसको किस पद से कहा गया, तत्पद से। जो जगत का उपादान कारण है वो किससे कहा गया, त्वम पद से। निमित्त कारण कौन है, विशुद्ध सत्व प्रधान। उपादान कारण कौन है, मलिन सत्व प्रधान। क्लियर हुआ इतनी बातें? एक एक चीज दिमाग में रखते जाना, ये चीज, ये प्रक्रिया यहाँ पे पहली बार बताई जा रही है। आपने वेदांत सार में भी ऐसे से नहीं पढ़ाया तत्त्वमसि। अच्छा जी, अब नेक्स्ट श्लोक देखो आगे। त्रिय, इसको जरा हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कौन पढ़ेगा, पढ़िए लता जी, ये 45वां श्लोक। अब एक बात समझना, सब परिभाषा बनाना, जहां पर काम और कर्म है वहां पर अविद्या है, होगा, जहां पर अविद्या है वहां पर तमस है, बन गई थी? क्या बना पहले, जहां पे काम और कर्म है वहां पर अविद्या है, अविद्या जहां होगी वहां क्या होगा, तमस। आपने पढ़ा ना कल गीता में, तमस तो अज्ञानजम विद्धि है ना, तो काम और कर्म का मतलब अविद्या, अविद्या का मतलब तमस। जो हम और आप जीव हैं वो किससे घिरे रहते हैं, काम और कर्म। लेकिन आपने ईश्वर में कितना सुना है काम और कर्म, उसके कर्म कैसे पता है, दिव्य कर्म, किसके, ईश्वर के दिव्य कर्म। उसका जन्म भी कैसा है आपने किया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो ऐसा जानता है। हमारा और आपका जन्म दिव्य तो, हमारा और आपका कर्म दिव्य तो, ये हमारे और ईश्वर में क्या आ गया, अंतर। पकड़ में आ रहा है ना, वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, मलिन सत्व प्रधान होने के कारण हम और आप सदैव काम और कर्म से क्या रहते हैं, लेकिन एक इसका उपाय है तोड़ने का। उपाय क्या है, यदि सत्व गुण बढ़ जाए तो फिर काम और कर्म क्या हो गए, आएंगे। देखो ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि काम और कर्म नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जो तमो गुण में काम और कर्म आता था वह काम और कर्म तो पकड़ में, सत्गुणी व्यक्ति के अंदर यह नहीं दिखेगा, समझ में है ना। तो कोशिश, अच्छा ये कोशिश तो कर सकते हैं सत्गुण को बढ़ाने की, सत्गुण बढ़ाना तो किसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है, हमारे आपके हाथ में। चाहे तो हम सत्गुणी बढ़ा ले, चाहे तो हम फिर तमोगुणी नहीं। और जो सत्गुण बढ़ जाएगा वो ईश्वर के बहुत समीप आ जाता है। हम पूजा में ईश्वर को करीब क्यों पाते हैं, क्योंकि पूजा में हमारा सत्वगुण
इसलिए हम ईश्वर के समीप। लेकिन जैसे ही हम पूजा से हटते हैं वैसे ही हम अपने आप को क्या पाते हैं? देखो आप लोग कहते हैं हम आश्रम में जब तक हैं, गुरु के साथ हैं, संत के साथ हैं, ग्रंथ के साथ हैं, तब तक तो हमें क्या रहता है? हमें यह रहता है कि हम किस गुण में हैं? सत्व गुण में। लेकिन जैसे ये सत्व गुण हटता है वैसे हम किस में आ गए? तमोगुण में या रजोगुण में। अब ये हमारे हाथ में है कि हम सत्व गुण को क्या कर लें? बढ़ा लें। और आपने कल गीता में पढ़ा यदि सत्व गुण बढ़ गया तो रजोगुण और तमोगुण क्या हो जाएगा? ये कहता हमारे सामने तुम दोनों नहीं रहोगे, या तो ये कर लो कि मैं नहीं रहूंगा तुम लोग आ जाओ, मेरे बराबरी में रज और तम खड़े नहीं हो सकते। पकड़ में? अगर कोई सही से ईश्वर की पूजा कर रहा है तो उस समय उसको जगत का याद आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस समय क्या है? सत्वगुणी है। पकड़ में ना? देखो बहुत ही अच्छा कारण दिया। देखो जीव अपनी मलिनता, मलिनता मतलब चित्त शुद्ध नहीं है, मल आया था ना शब्द, चित्त अपना शुद्ध नहीं है। परिच्छिन्नता, वो अपने आप को व्यापक नहीं पाता है, कैसा पाता है? परिच्छिन्न। और तीसरा क्या लिखा है? अल्पज्ञता, ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, इसके कारण व्यक्ति क्या कर बैठता है? कामना। देखो लिखा है ना, मलिनता परिच्छिन्नता और अल्पज्ञता के कारण कामना करता है। और अब नेचुरली कामना आ गई तो क्या करेगा? शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, है ना? उसकी पूर्ति हेतु शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त। ध्यान रखना ज्ञानी व्यक्ति न तो शुभ करेगा न तो पाप लेगा न तो अशुभ से भी दूर रहेगा। और किससे? क्योंकि मैंने कल ज्ञानी का लक्ष्य तो सत्व से भी अतीत जाना है, सत्व से भी, तो शुभ कर्मों को भी क्या कर देगा वो? ये भी मुझे नहीं चाहिए, और अशुभ कर्म भी मुझे सिर्फ ब्रह्म से तादात्म्य होना है, बस खत्म। ना तो पूजा में पढ़ने वाला है, ना तो हवन, ना तो जप, ना तो पाठ, ना तो फिर वो सिर्फ कहेगा यस ब्रह्म से तादात्म्य होना चाहिए। तो शुभाशुभ कर्म वही करता है जिसके अंदर ये त्रिगुणों का हेर फेर, और शुभ कर्म वो करेगा जिसमें कौन सा गुण प्रधान हो? सत्व गुण प्रधान हो। ऐसा नहीं है कि तुम ही पद ब्रह्म, तत ही प्रद ब्रह्म है, तुम भी क्या है? तुम मतलब जीव, जीव मतलब हम और आप, हम और आप भी क्या है? ब्रह्म। तत्पद भी क्या है? लेकिन अंतर किस चीज का है? उपाधियों का। ये उपाधियां हटा दी जाएं तो क्या पता चलेगा? एक, अब यहां पे इसके बाद बताया गया है एक लक्षणा होती है, मैंने आपको शायद वेदांत सार में पढ़ाया था, लक्षणा तीन प्रकार की होती हैं। एक को लक्षणा को बोलते हैं भाग लक्षणा, एक लक्षणा को बोलते हैं त्याग लक्षणा, और तीसरी लक्षणा होती है भाग त्याग लक्षणा। ठीक है, एक लक्षणा का नाम क्या हो गया? भाग, दूसरे का नाम त्याग, और तीसरे का नाम भाग। इसी का दूसरा नाम भी शास्त्रों में आता है जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, और तीसरी जैदा जहद लक्षणा। क्लियर हो गया? तत्त्वमसि महावाक्य का शोधन न तो जहद लक्षणा से है न तो अजहद लक्षणा से है, किससे है? जहदा जहद। इसी को क्या बोलेंगे? ना तो भाग से है न तो त्याग से है, किससे है? भागत त्याग। तो तत्त्वमसि को यदि समझना है तो आपको कौन सी लक्षणा समझनी चाहिए? भाग और त्याग। वो लक्षणा भागे 47वें श्लोक में बताई है, वो देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।